असलम गाइज़, वेलकम बाई चैनल मिस्टर बशीर टेक्निकल। गाइज, आज की स्टूडियो में हम आपको बताएंगे YouTube के कुछ हिडन फीचर्स जो कि आप शायद पहले से कभी नहीं जानते होंगे। दोस्तों, ये जो हिडन फीचर है आपको एक अगर आप वीडियोस देखते हैं ये आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। ये ट्रिक्स आपके पास और अजीब सी वीडियो आ जाती हैं और भी काफ़ी तरीके हैं जो आपकी फेवरेट वीडियोज़ ही होंगी आपके पास, बस वही आएंगी, आपके पास बकवास से वीडियो नहीं आएगी। इस वीडियो में आपको ऐसी सेटिंग बताऊंगा, ऐसा तरीका बताऊंगा, ये हिडन फीचर है, ठीक है। आपको ये जो मेरी वीडियो है बहुत अच्छी लगेगी, बट आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है, शर्त ये है, ठीक है। तो ये हिडन फीचर कुछ आपको मैं बताऊँगा, कुछ सेटिंग है वो दिखाऊँगा, ठीक है। तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है, अगर वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपका ही फायदा। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ विदाउट टाइम वेस्ट के। माय नेम इज़ बशीर, आप देख रहे हैं मिस्टर बशीर टेक्निकल यूट्यूब चैनल। गाइस, सिंपली हम अपनी यूट्यूब को ओपन करते हैं। गाइस, यहाँ पर आपको कुछ आपको ऐसी वीडियोज़ मिलते हैं जो आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, ठीक है। मिसाल दे रहा हूँ दोस्तों, मुझे ये कार्टून वगैरह की वीडियो अच्छी नहीं लगती या कोई भी अच्छी नहीं लगती, ठीक है, वो मैं नहीं देखना चाहता। जैसा कि ये प्रॉपर्टी, ये वाला चैनल पंजाब, ठीक है, इसे मैं क्या करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगती, इसकी वीडियो मैं नहीं देखना चाहता। दोस्तों, सिंपली आपने ये थ्री डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं नो इंटरेस्टेड, डोंट रिकमेंड चैनल। अगर आप चाहते हैं इसकी वीडियो, ये ऐसी वीडियो मेरे पास ना आए, तो आप डोंट जो लिखा हुआ है ना इंटरेस्टेड, इस पर क्लिक करते हैं। अगर आप चाहते हैं इस चैनल की वीडियो ही ना आए मेरे पास, जो ये चैनल इसकी और कोई ऐसी वीडियो ना आए, तो आप दोस्तों यहाँ पर नोट यहाँ पर कर सकते हैं नीचे वाले ऑप्शन पर रिकमेंड चैनल, ठीक है। तो अगर ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको मैं बताऊँ जो आपकी फेवरेट वीडियो है, यहाँ पर आप कोई भी अपनी फेवरेट वीडियो की आप प्ले लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों, जो आपकी अपनी फेवरेट लिस्ट है, ठीक है, आप इजीली अपनी जिस फेवरेट वीडियो की लिस्ट बना सकते हैं प्ले लिस्ट, वो किस तरह बनानी है आइए जानते हैं दोस्तों वन बाई वन। दोस्तों, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सेव प्ले लिस्ट ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपने प्ले लिस्ट पर डन कर देना, सेव कर लेना, ठीक है। यहाँ पर न्यू प्लेलिस्ट क्रिएट करके सेव करके डन कर देना, ठीक है दोस्तों, इस तरह से कर देना। तो ये बहुत ही अमेजिंग सेटिंग है। अगर जैसा कि आप देखते हैं दोस्तों कि आपको यूट्यूब में वीडियोस मिलती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, और आप वैसे सोशल मीडिया पर देखते हैं दोस्तों, आपको वहाँ पर वीडियो छोट भी मिल जाती हैं, छोटी छोटी वीडियो मिलती हैं, जो जैसा कि टिकटॉक हो गया, स्नैक हो गई, लाइक की वगैरह, और भी काफ़ी सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिन पर आपको शॉर्ट वीडियो देखने को मिलती। अब आप जानते भी होंगे, आपसे बहुत लोग ये फीचर, यहाँ पर आपको एक शॉर्ट का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, आपको यहाँ पर शॉर्ट वीडियो मिलती हैं, ठीक है। यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये देखें शॉर्ट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो मिल सकती हैं, ठीक है दोस्तों, इससे आपको काफ़ी अमेजिंग वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, अपलोड भी कर सकते हैं, अपलोड करने का आपको बेनिफिट भी मिलेगा, वो तो आपको जानते भी, एक यूट्यूबर जानता ही है, ठीक है दोस्तों। मैंने जो आपको तरीकेकार बताने थे, जो हिडन फीचर बताने, तो आपको समझ तो आ गए होंगे दोस्तों, ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। दोस्तों, ये बात ये है कि दोस्तों आपको ऊपर एक डैशबोर्ड मिलता है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यार मैं आज की कोई न्यू अपडेट आई है या न्यू वीडियो आई है दोस्तों, जो मिसाल दे रहा हूँ कोई ड्रामे लिस्ट है, आपको सर्च करना नहीं आ रहा, सही आप उसके लिख रहे हैं, आपको वो मिल नहीं रहा, तो आपने क्या करना होता है, आप दोस्तों कुछ भी सर्च करते हैं, मसलन मैं यहाँ पर कुछ भी सर्च करता हूँ, ये देखो मैं मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स सर्च किया दोस्तों, यहाँ पर मेरे 2-3 साल पहले की वीडियो आ गई हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोस्तों अभी जो अभी लॉन्च हुई है हफ्ते या एक मंथ में, तो वो कैसे देखूँ दोस्तों, यहाँ पर अपने थ्री डॉट पर क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है एनीवन, यहाँ पर क्लिक करना है, तो दोस्तों जिस वीक्स पर क्लिक करते अप्लाई कर देना, जो इस हफ्ते वीडियो अपलोड हुई है दोस्तों, ये देखिए 4 दिन पहले अपलोड हुई है, ये 2 दिन पहले अपलोड हुई है, ये 22 घंटे पहले अपलोड हुई है, ये 5 घंटे पहले अपलोड हुई है, इस तरह से दोस्तों आपने देख सकते हैं कि कितने घंटे पहले अपलोड वीडियोज़ हैं जो अपडेट न्यू आई हैं, ठीक है, न्यू जो न्यू आप चाहते हैं कि न्यू वीडियो देखना, ओल्ड वीडियो नहीं देखना चाहते हैं न्यू, तो इस तरह से आप नई वीडियो देख सकते हैं। वैसे कोई सर्च में आपको ये सर्च में आती भी नहीं, क्योंकि YouTube वाले ऐसे हैं कि जो बड़ी वीडियोज होती हैं, जिस पर ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, वॉचम वगैरह, वो उसे पहले लेकर आता है, बेशक वो बकवास हो या अच्छी वीडियो, तो आप इस तरह से न्यू वीडियो भी देख सकते हैं, जिस तरह की मैंने आपको सेटिंग बताई है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।